लोग को भी लगे कि हमको हेमलेट पहनना चाहिए, नहीं तो हमको पुलिस बहुत शर्म महसूस करा रही है। हम जिसको गुलाब दिए वो बेचारा बहुत शर्म से मैंने उसका मैंने सर झुक गया, कहा कि गलत हम किए हैं सर, हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप पुलिस के डर से हेमलेट मत पहनिए, बल्कि अपने जीवन के रक्षा के लिए हेमलेट पहनिए। विदाउट हेलमेट चल रहे थे, इसीलिए हमने निर्देश पर ही मतलब इस तरह का कार्य किया। नमस्कार, आप लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार पुलिस का गांधीगिरी वाला अवतार, सोचकर आप भी दंग होंगे। देखिए राजधानी पटना में और बात करें बिहार के कई जिलों में तो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरा सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि एक कैमरा हमारे ऊपर भी है, इन कैमरों से चलान कटती है। लोग बिना हेलमेट के जो सड़कों पर घूमते हैं तो उनका चलान कटा जाता है। मगर क्या आपने कभी देखा है बिहार में कि अगर कोई बिना हेलमेट के बिहार में घूमता है तो पुलिस वाले रोक रोक कर चलान की जगह हाथों में गुलाब का फूल देते हैं, रेड रोज देते हैं। यानी क्या, देखिए जिस तरीके से चलान काटी जा रही है। और पटना की सड़कों पर इस वक्त हम है बोरिंग रोड चौराहे पर इस वक्त हम खड़े हैं और तस्वीरें देखिए कि बिहार पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान हम कह सकते हैं, पटना ट्रैफिक पुलिस जो चर्चा में रहती है, जो लाखों करोड़ों रुपए का चलान हर महीने काटती है, अब अलग एंगल से लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता किस तरीके से, देखिए एक तरफ वो तस्वीरें चल रही हैं, अब लोगों को रोक रोक कर हाथों में रेड रोज बिहार पुलिस के एक जवान दे रहे हैं। हमारे साथ हम कह सकते हैं कि वायरल पुलिस वाले हैं इस वक्त। क्या नाम हुआ सर? दिवाकर तिवारी। दिवाकर जी, लोगों को रोक रोक कर आखिर आज गुलाब क्यों देने लगे? हम सोच रहे थे कि देखिए कारण कि फाइन तो हम लोग बराबर काटते हैं, अगर फाइन काटते हैं तो जिसका फाइन कटता है वही जानता है। और हम हमारे दिमाग में आया कि ऐसा भी हो कि लोग को भी लगे कि हमको हेमलेट पहनना चाहिए, नहीं तो हमको पुलिस बहुत शर्म महसूस करा रही है। हम जिसको गुलाब दिए वो बेचारा बहुत शर्म से मैंने उसका मैंने सर झुक गया, कहा कि गलत हम किए हैं सर, हमको नहीं करना चाहिए। हम भी यही पुलिस का सोच लेकर के कि पुलिस के प्रति लोग का सोच गलत नहीं हो, लोग सोचे कि पुलिस हमारे लिए काम करती है, ऐसा नहीं है कि रोकने के बाद चलान भी देती है। कारण कि चलान तो हम लोग देते भी हैं, लेकिन उसके बदले हम लोग गुलाब दिए, कम से कम उस सबक मिले कि पुलिस मेरे लिए अच्छा किया। लोग फिर वो लोग हेलमेट पहनते हैं? हाँ, उसके बाद से देखिए यहाँ तो बोरिंग रोड चौराहा है, बहुत कम संख्या में आपको बिना हेमलेट के लोग मिलते हैं। लेकिन एक चीज और है कि जो आपको 20 से 25 साल के एज में लड़के हैं वो सब हेमलेट गाड़ी में लटका कर चलते हैं, जो कि गलत चीज है, नहीं लटकाना है। आप सर पर पहनिए, काहे कि आए दिन जितना एक्सीडेंट होता है सर में चोट लगने से आपको मैंने आपका मृत्यु होगा, अगर और कहीं चोट लगेगा तो आप बच सकते हैं। आखिर ये मोटिवेशन कहाँ से है, सोच कहाँ से है कि अब चलान छोड़ो कभी कभी पर्व त्यौहार के मौके पर? सुनने में आया कि न्यू ईयर पे भी आप लोगों को रुक रुक से गुलाब। हाँ, हम 1 तारीख को ही दिए थे। हाँ। जिसके चलते वो वीडियो हम अपने साइट पर डाले, बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अच्छा। हम 1 तारीख को इसलिए दिए थे कि सोचे कि 1 तारीख लोग बनाता है, उसके मन में गलत धारणा हो कि मेरा 1 तारीख ही खराब हो गया, मेरा फाइन कट गया। हम अलग अलग स्टेट का ट्रैफिक का काम देखते हैं अपने सोशल साइट से, तो हमको मन में हुआ था कि हम इसको जागरूक हो रहे हैं। हाँ, लोग जागरूक हैं, कहे कि बहुत कम संख्या में अब बिना हेलमेट के लोग चलते हैं। अच्छा, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहिएगा जो लोग बिना हेलमेट के अभी भी घूमते हैं, जिनको डर नहीं? मैसेज है कि देखिए आप पुलिस के डर से हेलमेट मत पहनिए, बल्कि अपने जीवन के रक्षा के लिए हेलमेट पहनिए। हेलमेट मजबूरी नहीं, जरूरी है, आपको हेलमेट पहनना अत्यंत जरूरी है अगर आपको बचना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कभी वही लोग जो देख रहे हैं वीडियो जो बिना हेलमेट के, उनको भी आप पकड़ के गुलाब दे दीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, डेली चीज नहीं चलता है, लेकिन हाँ ये सेलिब्रेशन के दिन हम लोग किए कि लोग गलत नहीं हो। तो देखिए लोगों को जागरूक करने के लिए अब पुलिस ने अलग हथकंडा अपनाया है। जिस तरीके से बिहार पुलिस की बातें अलग अलग तरीके से सामने आती है, कई बार गलत चीजें सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर वसूली करने का वीडियो वायरल होता है, मगर पटना की सड़कों पर एक अलग तस्वीर नजर आ रही है। ये अलग तस्वीर मनमोहक है, लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस वाले अब पकड़ पकड़ कर गुलाब का फूल दे रहे हैं। किस तरीके से आने वाले दिनों में भी लोग जागरूक होंगे, हमारे साथ सर भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे किस तरीके से लोगों का गुलाब आप लोग बांट रहे हैं। आखिर क्या, हम लोग नया साल के अच्छी था, इसीलिए हम लोग सोचे कि उस रोज मतलब थोड़ा सा लोग को नाखुश नहीं किया जाए। हाँ। और मतलब उमंग के साथ नया साल लोग मनाने के लिए जगह जगह लोग जा रहे थे, इसीलिए हमारे आदेश पर ही मतलब हमारा जो आरक्षी है, अब चलान नया साल में
नया साल में सोचे कि आज नहीं काटा जाए, आज जो भी, और बहुत कम लोग मतलब विदाउट हेलमेट चल रहे थे, इसीलिए हमने निर्देश पर ही मतलब उस तरह का कार्य किया। तो देखिए अलग अंदाज है बिहार पुलिस और पटना ट्रैफिक पुलिस का, लोगों को रोक रोक कर हाथों में लाल गुलाब दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप हेलमेट पहनिए, हेलमेट जरूरी है। बहरहाल ये ट्रैफिक नियमों के बीच जिस तरीके से कड़ा तरीके से पटना में हम कह सकते हैं और बिहार के कई जिलों में ट्रैफिक कैमरे लगाए गए, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और उसको कंट्रोल किया जा रहा है। अब उसको लेकर पटना की सड़कों पर असर नजर आ रहा है, मगर पटना ट्रैफिक पुलिस का अलग अंदाज आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें।